बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट, मुझे क्या होना है यार, आप लोगों की दुआएं जो है मेरे साथ। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन ब्रेड, जिसके लिए हमें सबसे पहले इसकी डो तैयार करनी है ब्रेड की। तो चलें फिर सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा फ्लोर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ शुगर ली है, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 egg, वाटर एज रिक्वायर्ड। मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है, आप चाहें तो इसमें वार्म नीम गर्म पानी भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो चले हम सबसे पहले इसकी डो तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी शुगर, मैं इसमें ऐड करूंगी ईस्ट, मिल्क पाउडर, सॉल्ट, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 egg। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और हमें इसकी सॉफ्ट डोर गूंदनी है, बिल्कुल सॉफ्ट डोर हम इसकी गूंद लेंगे ब्रेड की। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, हमें इसे 10-15 मिनट तक बिल्कुल इस तरीके से करना है ताकि ये हाथों पे स्टिक करना बंद कर दे। देखिए यहाँ हमारी डो ने स्टिक करना बंद कर दिया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए राइस करने के लिए कवर करके रख दूँगी। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे, और फिलिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम चिकन, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और शरीड कर लिया था, और यहाँ मैंने लिया है 1/2 कैप्सिकम, 2 टेबल स्पून कॉर्न, 2 टेबल स्पून फ्लोर, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज की ऑनियन ली है, 2 टेबल स्पून बटर, 1 कप मिल्क। अब हम इसको कुक करेंगे, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बटर। बटर ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 स्मॉल साइज़ की ऑनियन ऐड करूँगी, और इसको मैं अच्छे से सॉटे करूँगी। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें इसको सॉफ्ट करना है। अब 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा ऐड कर दिया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है फ्लोर की वो निकल जाए इस तरह से। अब मैं यहाँ इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी, और हम इसको अच्छे से कुक करेंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसके जितने भी लम्स हैं वो निकल जाएं। मैंने यहाँ कॉर्न ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन जो हमने बॉईल किया था और शेडेड, उसको ऐड करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट,
वन टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट, और फिर मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सिर्फ हमें इसे 2-3 मिनट कुक करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लूँगी। यहाँ हमारी डो राइस हो चुकी है, अब मैं इसको पंच डाउन करूँगी इस तरह ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर जो है वो निकल जाए। अब हमें इसको इस तरीके से बेलना है, इसी शेप में बेलना है। अब चिकन के फिलिंग को हम सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, अच्छे से हमें इसमें फिलिंग लगानी है। अब दोनों साइड से कट लगाने हैं, इक्वली हमें इसमें कट लगाने हैं। इस तरह से कट लगाएंगे, पहले एक साइड पे कट लगाएंगे और फिर हम इसको दूसरी साइड पे इसके कट लगाएंगे। अब जो हमने कट लगाए थे वो एक साइड उठाकर दूसरी साइड पर इस तरीके से रखेंगे। जितने भी कट लगाए हैं उसको एक साइड से उठाकर दूसरी साइड पर हम इस तरीके से रखते रहेंगे। पूरी ब्रेड पर हम इसी तरह से करेंगे। अब इस पर एग ब्रश कर रही हूँ मैं। एग ब्रश करने के बाद मैं इस पर सफ़ेद तिल को छिड़क दूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको 200 सेंटीग्रेड पर बेक कर लूँगी। चिकन ब्रेड बेक हो चुकी है और इसको मैंने सिर्फ 20 मिनट के लिए बेक किया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले एक छोटी सी दुआ हो जाए, अल्लाह पाक दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं उनके सारे दुख तकलीफ परेशानी दूर अता फरमाए, आमीन।
जो बे औलाद है उन औलाद की नेमत से नवाज दीजिए, आमीन। या अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे, आमीन। दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो जाने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।